कबीरधाम जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले 33,000 संग्राहकों को महज एक माह में लगभग 16 करोड़ 32 लाख रुपए का सीधा लाभ मिलने वाला है। इस साल 40,800 मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। जिले के 252 फड़ों के जरिए इसकी खरीदी हो रही है। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति लालपुर के प्रबंधक मनीराम साहू ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि 6 मई से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हुआ है। वर्तमान में 1300 संग्राहक तेंदुपत्ता संग्रहित कर रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य चल रहा है। इस समिति में 1300 संग्राहक कार्य कर रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण जो है 6/5/2022 को प्रारंभ हुआ, जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहक जो है सुबह तोड़ने के लिए जाते हैं और दोपहर 3-4 बजे तक जंगल से आते हैं और आ करके तेंदुपत्ता की गड्डी जो है बंडल बनाते हैं, जिसमें एक पक्ष में 25 का और एक पक्ष में 25 का। इस प्रकार 50 पत्ता का बंडल बना करके संग्राहक जो है 3 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक के तेंदुपत्ता फड़ में बेचने के लिए जाते हैं और जो बच जाता है उसको सुबह 6 बजे से लेकर के उसको फिर गिनती कराते हैं और उसकी जानकारी जो जिला यूनियन में देते हैं। जिला यूनियन में देने के बाद कुछ समय के बाद उनका भुगतान राशि जो है हम लोग जो है बैंक के माध्यम से RTGS के माध्यम से बैंक के खाते में जमा कर देते हैं, उसके बाद वो भुगतान की राशि प्राप्त कर लेते हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा दर निर्धारित किया है।